Hello my cuties, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing very great. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ एंड डेमो देने वाली हूँ आपको जीजी की फाउंडेशन का. तो ये लॉन्ग लास्टिंग है जैसा कि इसके बाहर मेंशनड है, लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है, मिनरल फाउंडेशन है. इसमें SPF आपको 15 मिल जाता है. जितनी भी ओरिफ्लेम की फाउंडेशन है उसमें ऑलमोस्ट SPF डाला गया है ताकि आपको सनस्क्रीन यूज ना करना पड़े. तो सनस्क्रीन यूज करना कहीं पर मुझे खुद को पर्सनली एक झंझट लगता है कि इतना कुछ लगाते जाओ यार, सनब्लॉक लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, ये करो वो करो. तो अगर आपकी फाउंडेशन में वो इंक्लूड हो जाता है तो आपके लिए ना बहुत अच्छी बात होती है, एक एडवांटेज आपको मिल जाता है. इसमें इटालियन वॉल्गेनिक मिनरल्स डाले गए हैं जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ये आपको पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करके रखता है. इसमें एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज भी हैं और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है. मैंने इसे ऑलरेडी अपनी काफी मेकअप वीडियोस में यूज किया है. अगर आप मेरे मेकअप वीडियोस देखते हो तो आपको मालूम होगा इन सभी फाउंडेशंस में हाइड्रोलिक एसिड डाला जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है. तो चलिए अब इसका डेमो हो जाए रिव्यू. बस इतना ही था रिव्यू में, बाकी तो डेमो का भी काम होता है ना मेन. तो ये इस तरह की बॉटल है जैसे कि मैंने आपको दिखाई है. पंप शेपेड है, इसमें लॉक सिस्टम नहीं है. तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ. ये बाहर नहीं आ रहा, क्या हो गया भाई, नाराज है? फाइनली बाहर आ गया. तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ. ये देखो इसका टेक्सचर ना थिक है, रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, थिक फाउंडेशन है. तो चलो इसको डॉटेड फॉर्म में अप्लाई करते हैं. चलो अब इसको मैं लगा के आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है. अब इसको ब्लेंड करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से. मुझे इसका कवरेज भी अच्छा खासा लगता है, मैंने इसको काफी बार यूज किया हुआ है. सी गाइज, मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और ये कितना अच्छा फिनिशिंग लुक मेरे को दे रहा है. आई एम पर्सनली लविंग इट. मतलब बहुत अच्छा लुक ये प्रोवाइड कर रहा है. तो मतलब ग्लोइंग फ्रेशी है ना लुक मिल रहा है मुझे इससे. और आपको कैसा लग रहा है मुझे जल्दी से कमेंट करके जरूर बता देना. तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं बाकी का मेकअप करके ना आपको एंड में जल्दी से मिलती हूं. हो गई मैं रेडी शेडी थोड़ा इंडियन अटायर में, क्योंकि मैंने वेयर किया हुआ है अपना ये कुर्ता. तो कुर्ता है मेरा स्नैपडील से जो मैंने बाय किया था, शॉपिंग हॉल बनाया है. आई डोंट नो पहले ये वाला वीडियो जाएगा या शॉपिंग हॉल वाला वीडियो जाएगा. सो या This is the complete look. Oh shit, मैं तो earrings पहनना भूल गई. एक मिनट रुको, मैं earrings पहन के. Yeah guys, हो गई मैं completely ready. तो मैंने थोड़ा इंडियन, थोड़ा नहीं इंडियन लुक ही बनाया है. और अगर आप जीजी की फाउंडेशन भी बाय करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, डायरेक्टली वहां से क्लिक करके आप बाय कर सकते हो. और ये कुर्ता देख रहे हो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको बाय किया था. और अगर आप इसको भी बाय करना चाहते हो तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा, डायरेक्टली वहां से भी क्लिक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हो. बाय करना हो बाय कर सकते हो. और मैं लुक मेरी कैसी लग रही है मुझे जल्दी से कमेंट करके जरूर बता देना. मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है मतलब. और मैंने आपने चीज नोटिस की, मैंने बिंदी लगाई है. तो बिंदी ना, पहले मैंने लगाया नेवी ब्लू, तो मुझे लगा कि दोनों का मुझे टच देना चाहिए. पहले मैं व्हाइट लगाने वाली थी बट वो इतना ज्यादा ना पॉपअप नहीं हुआ. फिर मैंने ये लगाया जो कि बहुत पॉपअप हो रहा है. और आप देख सकते हो फाउंडेशन कितना अच्छा अभी भी लुक दे रही है. मैंने टाइम लगाया यार मेकअप वगैरह करने में पूरा, तो टाइम लगा तब भी इट्स लुकिंग सुपर गुड. और इसी के साथ मेरा रिव्यू एंड डेमो इस वीडियो का खत्म होता है. मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट अमेजिंग सी ब्रांड न्यू धमाकेदार सी वीडियो में. तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहो, ये वाली भी देखो, बाकी भी देखो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उसके साथ जो बेल आइकन उसे हिट. तो मिलती है नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल.